पाठ सात, गति, बल और कार्य। बच्चों, क्या आप जानते हैं गति का अर्थ क्या है? गति में परिवर्तन किसके कारण होता है? निश्चित समय में किसी पिंड द्वारा एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर किए गए विस्थापन को गति कहते हैं। गतिशील पिंड पर बाह्य बल प्रयुक्त होने पर तथा घर्षण बल के कारण पिंड की गति में परिवर्तन होता है। गति की दिशा पर विचार न करते हुए किसी पिंड द्वारा वास्तव में तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। दो भिन्न बिंदुओं से संबंध विशिष्ट संख्या को उन बिंदुओं के बीच की दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश भौतिक राशि है। किसी पिंड द्वारा निश्चित दिशा में तथा सरल रेखा में तय की गई न्यूनतम दूरी को उस पिंड का विस्थापन कहते हैं। विस्थापन में पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा उसकी दिशा दोनों पर विचार किया जाता है, इसीलिए विस्थापन एक सदिश भौतिक राशि है। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस पिंड की चाल कहते हैं। चाल का दिशा से संबंध नहीं होता, अतः चाल एक अदिश भौतिक राशि है। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में तथा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उस पिंड का वेग कहते हैं। वेग में परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, अतः वेग एक सदिश भौतिक राशि है। एसआई में चाल तथा वेग दोनों की इकाई मीटर पर सेकेंड है। किसी गतिशील पिंड के वेग परिवर्तन की दर को उस पिंड का त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश भौतिक राशि है। यदि पिंड के वेग में वृद्धि हो रही हो तो उसके त्वरण का धनात्मक त्वरण कहते हैं, परंतु वेग में कमी हो रही हो तो पिंड का त्वरण ऋणात्मक होता है। त्वरण का सूत्र त्वरण बराबर वेग में होने वाला परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा कुल समय। त्वरण की एसआई इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अन्योन्य क्रिया द्वारा त्वरण उत्पन्न करने वाले बाह्य कारक को बल कहते हैं। बल एक सदिश भौतिक राशि है। बल द्वारा पिंड के वेग में परिवर्तन होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। एसआई में बल की इकाई न्यूटन है। बल का अध्ययन सर्वप्रथम सर आइजक न्यूटन ने किया था। बल द्वारा उत्पन्न होने वाले त्वरण के आधार पर उन्होंने अपने द्वारा गति के नियम भी प्रतिपादित किए थे। न्यूटन का गति संबंधी पहला नियम। नंबर एक, यदि किसी पिंड पर कोई बल क्रियाशील न हो तो उस पिंड के वेग में परिवर्तन नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्थिर पिंड सदैव स्थिर ही बना रहता है और गतिशील पिंड सदैव समान वेग से गतिशील ही बना रहता है जब तक उस पिंड पर कोई बाह्य बल क्रियाशील ना हो। नंबर दो, यदि पिंड पर क्रियाशील समस्त बल शून्य हो तो उसका त्वरण भी शून्य होता है। नंबर तीन, घर्षण रहित किसी पृष्ठ पर रखे गए 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले किसी पिंड में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने वाले बल को न्यूटन कहते हैं। इस आधार पर 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम गुणे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी प्रकार 1 ग्राम द्रव्यमान वाले किसी पिंड में 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने वाले बल को 1 डाइन कहते हैं। अतः 1 डाइन बराबर 1 ग्राम गुणे 1 सेंटीमीटर
पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ग्राम बराबर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी चिकनी सतह पर रखे गए लकड़ी के टुकड़े में एक धागा बांधो, उसके बाद धागे को घिरनी पर ले जाकर उसके दूसरे सिरे पर एक बाट लटकाओ। गुटका इस सतह पर खिसकता है तो हम कहते हैं कि बल द्वारा कार्य हो रहा है। यदि प्रयुक्त बल द्वारा बल की दिशा में विस्थापन हो तो ही कार्य होता है, अन्यथा नहीं। यदि कोई पिंड समय के समानुपात में दूरी तय करता है तो उस पिंड की चाल एक समान होती है। यदि कोई पिंड एक समान वेग से गतिशील हो तो उस पिंड का त्वरण शून्य होता है। चाल एक अदिश भौतिक राशि है। वेग का अर्थ है किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में पिंड द्वारा तय की गई दूरी। आकृति का निरीक्षण करो और प्रश्नों के उत्तर लिखो। सचिन और समीर मोटरसाइकिल से ए स्थान से निकले, बी मोड़ से मुड़कर सी स्थान पर काम करके सीडी मार्ग से डी मोड़ तक आए और आगे स्थान ई तक पहुँचे। उन्हें कुल एक घंटा समय लगा। उनकी ए से ई तक की प्रत्यक्ष तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात करो। इस आधार पर चाल ज्ञात करो। ए से ई तक ई दिशा में उनका वेग कितना था? क्या इस वेग को औसत वेग कहा जा सकता है? उत्तर: सचिन और समीर द्वारा तय की गई कुल दूरी ए से बी 3 किलोमीटर, बी से सी 4 किलोमीटर, सी से डी 5 किलोमीटर, डी से ई 3 किलोमीटर। कुल दूरी बराबर 3 × 4 × 5 × 3 किलोमीटर बराबर 15 किलोमीटर। ए से ई तक की गई वास्तविक दूरी 15 किलोमीटर है। कुल विस्थापन बराबर ए से ई तक की दूरी 3 × 3 × 3 किलोमीटर मतलब 9 किलोमीटर। अतः कुल विस्थापन 9 किलोमीटर है। चाल बराबर दूरी बटे समय मतलब 15 किलोमीटर बटे एक घंटा। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, यहाँ हम 9 किलोमीटर बटे एक घंटा लिखेंगे। ए से ई तक जाने का वेग 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे औसत वेग कहा जा सकता है। समूह ए के शब्दों की योग्य जोड़ी समूह बी तथा सी के शब्दों का चयन करके बनाइए। प्रश्न: तार पर बैठा हुआ पंछी उड़कर एक चक्कर लगाकर पुनः अपने बैठने के स्थान पर आता है। उसके द्वारा उस चक्कर के लिए तय की गई दूरी का विस्थापन के बारे में स्पष्टीकरण दो। यहाँ पक्षी अपने स्थान से उड़कर पुनः उसी स्थान पर आता है। इस वक्र मार्ग पर वह एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता है उस वक्र मार्ग की लंबाई ही उसके द्वारा तय की गई दूरी है, परंतु पक्षी लौटकर अपने स्थान पर ही आता है, अतः उस पक्षी के विस्थापन शून्य है।
प्रश्न, एक समान वेग से गतिशील किसी मोटर कार को रोकने के लिए उस पर 1000 न्यूटन परिमाण वाला बल लगाया गया, फिर भी वह मोटर कार 10 मीटर दूरी तय करने के बाद रुकी, इस स्थिति में कितना कार्य हुआ? उत्तर, इस प्रश्न से स्पष्ट होता है कि प्रयुक्त बल और होने वाले विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में क्रियाशील है। यहाँ बल 1000 न्यूटन, विस्थापन -10 मीटर, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन 1000 न्यूटन गुणे -10 मीटर इज इक्वल टू -1000 जूल। अतः इस स्थिति में 1000 जूल कार्य हुआ। प्रश्न, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की गाड़ी चिकने समतल रास्ते पर 2 न्यूटन का बल लगाने पर 50 मीटर सरल रेखा में गई, इसमें बल ने कितना कार्य किया? उत्तर, यहाँ बल 2 न्यूटन, विस्थापन 50 मीटर, कार्य ज्ञात करना है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल 2 न्यूटन, विस्थापन 50 मीटर, अतः कार्य 100 जूल हुआ।